नमस्कार, स्वागत है आपका टुडेज पर। संजय लीला भंसाली क्लासिक फिल्म बैजू बावरा का रीमेक बनाने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि इस म्यूजिकल में बैजू बावरा का रोल कौन करेगा, लेकिन संजय लीला भंसाली इसमें एक एक्ट्रेस को चुन चुके हैं मेरे हिसाब से, और वो उनकी पसंदीदा अभिनेत्री दीपिका पादुकोण है। दीपिका पादुकोण जो है इस फिल्म में बैजू की लव इंटरेस्ट गौरी का किरदार अदा करते हुए नजर आएंगी। साल 1952 में आई बैजू बावरा में गौरी का किरदार अभिनेत्री मीना कुमारी ने निभाया था। इस फिल्म को विजय भट्ट ने डायरेक्ट किया था। सूत्रों का कहना है कि भंसाली को लगता है कि दीपिका मानो मीना कुमारी के जैसी सहजता और भव्यता को पर्दे पर पेश करने में कामयाब रहेंगी। जानकार सूत्र ने बताया कि निसंदेह गौरी की भूमिका बहुत अलग होगी, लेकिन उसके किरदार के जो भाव हैं वो नहीं बदलेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस फिल्म में हीरोइन का जो है रोल ज़्यादा रहेगा, जबकि पुरानी जो फिल्म थी 1952 की, उसमें मीना कुमारी जैसी सशक्त अभिनेत्री को लेने के बावजूद उसमें हीरोइन का काम बहुत कम था। लेकिन चूंकि यहाँ पर कमर्शलाइजेशन किया जाएगा इस स्टोरी का बहुत ही ज़्यादा, इसलिए यह माना जा रहा है कि मूल कहानी से भटका करके इसे एक प्रेम कथा के रूप में दिखाया जाएगा। आपको आप जो है क्या समझते हैं कि इस तरह से जो है कहानियों का बदलाव करके कमर्शलाइजेशन करना उचित है नहीं है, लिख के बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बड़ी कृपा होगी आपकी। धन्यवाद।